अब तक आपने देखा, अगर थारे को इस कमरे में रहना है ना, तो तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। ना तू मुझे बुलाएगी और ना मैं तुझे। हमारे बीच में ना एक दीवार खड़ी हो गई है। वैसे अगर मैं पहलवानी करूँ तो शायद यही एक रास्ता से हमारे बीच की दीवार तोड़ने का। क्या फैसला लिया तूने? मैं कुश्ती लड़ूंगी बाबूजी। कोमल बिटिया ने जैसे प्रज्ञा को बचाया और वो जालिम सिंह से टक्कर ली ना, कि आखिर कितनी ताकत और हिम्मत वाला काम किया इस छोरी ने। मैं चाहता हूँ कि अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं इसका गुरु बन के इसे पहलवानी सिखाना चाहता हूँ। अब आगे देखिए, महेंद्र भाई का सपना था ना कि उनके बच्चे पहलवानी करें, कुश्ती लड़ें। अब हमारे को धीरे धीरे यकीन होने लग गया है कि कोमल बिटिया है ना, इसके नसीब में लिखा है महेंद्र के सपने को पूरा करना। अब बस आपकी अगर इजाजत मिल जाए ना, तो इस दिशा में मैं कोमल के साथ आगे बढ़ूं। भाई जी, आपने तो मारे को अजीब दुविधा में डाल दिया। एक तरफ कोमल के बापूजी के अधूरे सपने की टीस, और दूसरी तरफ आप हाथ जोड़कर मारे से इजाजत मांग रहे सो। भाई जी, मैं छोरी को कुश्ती लड़ने की इजाजत ना दूं। जो कुश्ती मैं इससे ना करवा सकूं। भाई जी, अभी भी मारी छोरी के वैवाहिक जीवन में खुशियों की बहार आई से, और कुश्ती लड़वा के ना मैं इसकी जग हसाई ना करवाना चाहूं। छोरी की खुशियों को कुश्ती की भेंट मैं ना चढ़ा सकती। मैं तो बस यही कहूंगा कि एक बार फिर सोचें आप। ये जो गुण इसमें हैं वो हर किसी में ना होवे भाभी। आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूं कि महेंद्र भाई के हाथ में जितनी ताकत थी ना, वो ही ताकत मैंने कोमल बिटिया के हाथ में देखी है। ए भाई जी, मैं आपसे के कहूँ, मारी छोरी आपके घर की बहू और आपके घर की शोभा से, इब आप इससे कुश्ती लड़वाना चाहो तो इसमें मैं के कर सकती। मगर मारी छोरी होने के नाते अगर आप मारी इजाजत पूछते हो तो इस जन्म में तो मैं हाँ नहीं कर सकती। भाई जी, मन्ने माफ कर दीजिए। पर माँ, ठीक है भाभी, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, हर पहलू पे गौर करिए, और शाम को तो आप हमारे घर आने ही वाले हो। जो भी फैसला लोगे तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। जी, चलता हूं अब, प्रणाम। चल बेटा, शाम को मिलते हैं। इब यो के नया पैंतरा सूजा रघुवीर भाई जी को मारी छोरी से कुश्ती करवाने का? हाँ बोल के मैं अपनी छोरी की विवाही जिंदगी को बर्बाद तो ना कर सकती। इब घर की बहू बेटियाँ अखाड़े में जाकर मर्दों के संग कुश्ती लड़ेंगी, कौन से परिवार को मंजूर होगा? माँ जी, के बुराई है अगर बड़ो कुश्ती लड़े तो? कुश्ती हमारे परिवार में कोई नई बात तो ना है? आप ये क्यों ना सोचती कि बाबूजी की धरोहर कोई तो आगे बढ़ा रहा है? अरे माँ जी, बड़ो जिंदगी में कुछ करेगी, कुश्ती का अभ्यास करेगी तो हो सके दामाद जी की नजर उस पे बनी रहे, उनके दिल में जगह भी तो बना सकती है ना। आज शाम को मैं अपना आखिरी फैसला सुनाने वाली, और यो फैसले से मैं पीछे हटने वाली ना हूँ। कोमल मारी कुश्ती ना करेगी, मतलब ना करेगी, बात खत्म।
उधर से हाँ, और लंबा खींच लंबा खींच, इधर से तू बराबर खोदते जाए, नई मिट्टी डालेंगे इधर। प्रणाम भाभी, प्रणाम। प्रणाम भाई जी। जीतर ना जीतर, कैसे? बस ठीक है जी, बढ़िया। बाय बाय। जी जी। स्वागत है आपका भाभी, स्वागत। नमस्ते भाभी, नमस्ते। बैठिए। आप जी। छोरी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। बैठिए। जी जी। बैठो बैठो। लीजिए चाय लीजिए। कोई तो बात से जो लाखा के बाबूजी इतना परेशान दिख रहे हैं, दोपहर में भी बिना बताए कहीं चले गए, लाख पूछा तो बिना बताया। भाई साहब, आखिर यू सब क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाभी। भाई आपके परिवार ने हमारे परिवार पर इतना बड़ा एहसान किया, बस उसके लिए हम सब मिलके आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। बस एक आपकी खातिरदारी के लिए छोटी सी दावत रखी, और क्या? ये भाई जी अपने ही तो आपस में अपने लोगों की मदद करे है ना, तो इसमें एहसान किस बात का? एहसान मत समझिए। और फिर यो सब खातेदारी सो बना दे। राणा, खुश रहो। कैसे? जीतर। ये लीजिए भाई। छोरे यू कैसे? कुछ नहीं माँ जी, वो बाबूजी है ना, क्या है, सरपंच जी के साथ कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए बाहर चले गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे जाने से पहले कुछ जमीन के कागजात दिए थे आपको देने के लिए। कोमल और बरदान ने प्रज्ञा की इज्जत बचाकर जो इतना बड़ा एहसान किया है अलावत परिवार पर, वो एहसान का बदला तो हम शायद जिंदगी में कभी ना चुका पाएंगे। बस माँ जी, ये हमारी बकरियावाल में एक 10 एकड़ जमीन पड़ी है, तो बाबूजी चाह रहे थे कि वो वरदान के नाम कर दी जाए। था इनका सरप्राइज, जो इसे सरप्राइज पे सरप्राइज देते रहे, तो एक दिन तो सारी जायदाद ये बड़ों के और बड़ों के परिवार के नाम कर देंगे। माफ करना भाई जी, यो सब मैं स्वीकार ना कर सकती। माँ जी, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं मेरी बहन की इज्जत का मोल तो ना चुका सकता, तो माँ जी हमें गलत ना समझिए, ये तो बस हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार को आभार व्यक्त करने की थोड़ी सी कोशिश है। मैं आप सब की भावनाओं को समझूं, लेकिन फिर भी मैं यो स्वीकार ना कर सकूं। मने माफ करना, मैं आपका अपमान ना कर सकती,
लेकिन आपके मान और सम्मान को ख्याल में रखते हुए हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करूं कि मारे को यह सब लेने के लिए जोर मत दीजिए। आपने जो मारे बच्चों के लिए किया, मारे बच्चों को सम्मान दिया, वो ही मारे लिए काफी से। और बाकी बात रही प्रज्ञा की, तो प्रज्ञा भी मारी बेटी जैसी से। कोमल और बरदान ने इसकी मदद करके अपना फर्ज निभाया और हम हमेशा ही ऐसा अपना फर्ज निभाते रहेंगे। बाबी बैठिए। एक मिनट, माफ करना, हम रात की बजाय थोड़ा जल्दी आ गए। वो बात ही कुछ ऐसी थी कि रहा ही नहीं गया। बात यो से कि भाई जी सुबह मारे घर मारी सहमति लेने के वास्ते आए थे। कोमल के पहलवानी करवाने के सिलसिले में भाई जी ने मारे को शाम तक का टेम दिया था फैसला सुनाने के वास्ते, तो बात ये से कि मन ने फैसला ले लिया से और अब सबको बताना चाहूं। बाबूजी अभी ओके, अभी वो पहलवानी करेगी, मेरा मतलब है कि अब आप इसे कुश्ती करवाएंगे। वजन भारी होने से कोई पहलवान ना बनता। यू के फैसला कर लिया आपने? और यू फैसला किया, मारते पूछा भी ना। मारते पूछना तो दूर, मार से पहले जाके जमुना भाभी से पूछे, कमाल कर दिया आपने। बाबूजी मुझे लगता है कि सब लोग सही कह रहे हैं, कोमल अलावाद खानदान की बहू है और बाबूजी यूं इस तरीके से मर्दों के साथ अखाड़े में लड़ना उसको क्या शोभा देगा। हे भगवान, कुश्ती तो इब्बी शुरू ना हुई पर यो गमासान तो शुरू हो गया। माझी सोच लो कि मालती माझी और देवर जी अपने बात पे अड़ गए और बड़ों को कुश्ती करने से रोक लिया तो क्या होगा। इन्होंने तो मैं संभालूंगी और तू राणा ने संभाल, समझा इसने। अरे ओ मालती बात सुन, और लखा तू, अरे यो कौन सा तरीका है अपने बापू से बात करने का? अरे बड़ों की शर्म लिया आज सब भूल गया तू? तेरे बापू की पूरा गांव इज्जत करे है और फिर इस घर का चौधरी है ये, और यो जो भी फैसला करेंगे सोच समझ के ही करेंगे, हमने तो पूरा भरोसा है इन पे। फिर तुम दोनों है कैसे उंगली उठा दी इनके लिए हुए फैसले पे? मन्ने आप लोग माफ करना, आप लोगों को मारी ये बात से बहुत परेशानी हुई। मालती भाभी रघुवीर भाई जी से आप नाराज मत होइए, यो तो इनका बड़प्पन से इन्होंने मारे को इस फैसले में शामिल किया और मारे को इतनी अहमियत दी, और मैंने बड़े सोच विचार के बाद फैसला ले लिया से। We'll be right back.
भाभी आपने के फैसला लिया? मारा फैसला यो से मारी छोरी और आपकी बहू को मैं पहलवानी करने की इजाजत। बाबूजी, बाबूजी यो अखाड़े की खुदाई करते वक्त मिला। कुछ याद आया? मन्ने ना भावे आपकी यो खुस्ती फुस्ती, अरे ऐसी खुस्ती का के फायदो जो आपको अपने से ही दूर कर देवे। तू बैठ बैठ, एक बात बता कि क्या चिड़े तन्ने कुश्ती से, कमी क्या कुश्ती में? अरे आप ही बताइए के अच्छा है आपकी कुश्ती में? सुबह आप उठते हो, अखाड़े में जाते हो, खून पे सिन्हा मिट्टी एक करते हो और शाम ढलते ही दूसरे गांव कुश्ती करने निकल जाते हो। वही तो, दूर दूर गांव के लोग मन्ने जाने हैं, मन्ने माने हैं यो कुश्ती की वजह से। बड़ा इज्जत वाला खेल है यो कुश्ती। और फिर मारी तो पीढ़ियों ने कुश्ती लड़ी है, और तू देखना मारे बच्चे भी लड़ेंगे। आपने और आपकी पीढ़ियों ने बहुत लड़ ली कुश्ती, इब मारे बच्चे ना यो कुश्ती पुश्ती ना लड़ेंगे। लो कर लो बात, मारे बच्चे कुश्ती नहीं लड़ेंगे? अरे उनके तो खून में कुश्ती के दाव पेच होंगे। और तू देखना जब वो हमारी कुश्ती को अपनाएंगे ना, अखाड़े में जाएंगे ना, तुम्हारा सीना गर्व से फूल जाएगा और तब मुझे लगेगा कि मैंने अपने बाप होने का फर्ज सही निभाया। आपको यो सब देखने के वास्ते घर पे रहना भी तो जरूरी से ना, घर में टिकते कहाँ हो आप? जब मारे बच्चे कुश्ती को अपनाएंगे ना तो तू देखना मैं जहां भी रहूं, चाहे हजारों फीट ऊपर आसमान में या धरती के नीचे, धरती का सीना चीर के आ जाऊंगा अपने बच्चों को आशीर्वाद देने। भाई महिंदर, तू इतने प्यार से अपने हाथों से इस अखाड़े को नया कर रहा है, भाई ये नहीं कि दो दिन में आराम कर लेता है? अभी कल ही तो तूने स्टेट चैंपियन को बुरे तरीके से हराया है और मेडल जीता है। अब पता मैं तेरे मेडल के साथ क्या करने वाला हूं? भाई मैं तेरे मेडल को ना वो दीवार पर टांगूंगा ताकि आने वाली पीढ़ी के जितने पहलवान है ना देख देख के प्रेरित होंगे। अरे ना रघुना, ये तो सब करे, मैं वो मेडल को दीवार पे टांग के दीवार की शोभा नहीं बनाना चाहता। वो मेडल मन्ने मिट्टी से मिला है, मैं यो मेडल इस अखाड़े की मिट्टी में दबाना चाहता हूं जिससे इसके जीत की खुशबू अखाड़े की नींव बने और ये खुशबू अखाड़े के कण कण में फैल जाए ताकि इस अखाड़े से निकला हुआ एक एक पहलवान खरे सोने सा तपा हुआ निकले और जब हमारे बच्चे इस अखाड़े में कुश्ती लड़ेंगे ना तो उनके लिए ये हमारा आशीर्वाद होगा। सिर्फ अखाड़े के दाव पेच निपटाने के लिए नहीं, जीवन की बाकी सारी समस्याओं से भी पार लगाने में मददगार होगा ये। भाई ये बात पे ना एक जफी दे दे यार।
केस है माँ। यो थारे बापूजी का जीता हुआ मेडल से। ऐसा वैसा मेडल नहीं है, बहुत साल पहले थारे बापू ने उस जमाने के स्टेट चैंपियन को हरा के ये मेडल जीता था। थारे बापूजी ने इस जीते हुए मेडल पर इस अखाड़े की नींव रखी थी।